मोदी नगर में युवक की हत्या का मामला है। एफआईआर दर्ज की गई है, मोदी नगर में युवक की हत्या का मामला है। मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मोदी नगर से बीजेपी विधायक मंजू शिवाच के पति के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं, जिसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मोदी नगर में अक्षय नाम के युवक की हत्या हुई थी। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। अब एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। मोदी नगर में युवक की हत्या से जुड़ा मामला है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। हमारे सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, तफसील से जानकारी चाहेंगे। युवक की हत्या की गई थी और अब मामला दर्ज हुआ है, कई आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी बीती रात की घटना है जब ये हत्या इस युवक की गई। अक्षय नाम का युवक है, जब ये अपने घर के बाहर खड़ा था तभी कुछ अज्ञात बदमाश आए। हालांकि अब इसमें पुलिस ने एक नाम जो है एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कि आईपीसी धारा के तहत 302, 147, 148, 149 और 120 बी के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर देवेंद्र शिवाच के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। जी, विधायक के पति बताए जा रहे हैं, क्या संलिप्तता इनकी रही है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है अनिल? देखिए, अब देखना यही होगा, क्योंकि मंजू शिवाच हैं, विधायक हैं, और ऐसे मामले में कहीं ना कहीं अब इसमें ये देखना होगा क्या जनता की आवाज को सुना जाएगा, या विधायिका इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश करेंगी, या पुलिस। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या इस पूरे मामले में किस तरीके की जो कार्रवाई है वो निकलकर सामने आएगी। मोदी नगर से बीजेपी विधायक मंजू शिवाच के पति के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की कई धाराएं जो है लगाई गई है, जिसके तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मंजू शिवाच बीजेपी के विधायक इस वक्त खुद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुकी है। मंजू जी, पति के ऊपर आरोप लगे हैं, एफआईआर तक दर्ज की गई है, क्या मामला है मैम, आप तक क्या बातें पहुंची है, क्या पक्ष रखना चाहेंगी? देखिए मैडम, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मोदी नगर में हमारा हॉस्पिटल ही देखता है जी। तो हमारे हॉस्पिटल में अगर पुलिस वाला घायल होता है तो वो भी आता है, कोई आम जनता घायल होती है तो वो भी आता है, हर वर्ग के लोग हमारे आते हैं जी। इसी सिलसिले में कल एक व्यक्ति जो है जिनको गोली लगी थी, 5 गोली लगी थी, वो ब्रॉडडेड हमारे हॉस्पिटल में आए थे। तो जब वो ब्रॉडडेड आए थे तो उनको डिक्लेयर कर दिया गया, पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दी गई थी, तुरंत ही पुलिस आ गई थी और पुलिस ने जो बॉडी लेके उसमें जो भी पुलिस की कार्रवाई है वो उन्होंने शुरू कर दी थी। चूंकि ब्रॉडडेड आए थे तो ब्रॉडडेड ही बताया गया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि एसएसपी एसपी हमारी पुलिस की टीम जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ेंगी। और एफआईआर तो देखिए, वो परिवार अभी कष्ट में है, दुखी है, जो वो कहेंगे तो उनकी बात पे निश्चित ही पुलिस लिखेगी भी और आगे कार्रवाई भी करेगी। हमारा काम सेवा करने का है, सेवा हम कल कर रहे थे, आज भी करेंगे। मंजू जी, समझ सकते हैं परिवार की हालत इस तरीके से होगी, लेकिन आरोप लगाने के लिए कुछ आधार भी तो होना चाहिए। देखिए, आधार पुलिस ढूंढेगी ना, और जिन्होंने कहा है, जो इमोशनल ट्रॉमा में कहा है या जो भी कहा है उन्होंने, तो वो उनका अपना ओपिनियन है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम अस्पताल के माध्यम से हर वर्ग के, चाहे वो पुलिस है, चाहे कोई, मैं तो ये कहूंगी बदमाश आता है तो उसको भी गोली हम निकाल के बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, तो पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं तो हम तो हर किसी की गोली निकाल के बचाने की कोशिश करते हैं, चक्कू निकाल के बचाने की कोशिश करते हैं, ये हमारा काम है डॉक्टर होने के नाते। तो और इसको राजनीति से कहीं ना जोड़ा जाए, हम लोग सेवा भाव से काम करते हैं। नहीं, राजनीति अपनी जगह है मंजू जी, लेकिन अस्पताल प्रशासन से क्या बातचीत हुई, किसी तरह की कोई इंटरनल जांच? क्योंकि आरोप जब लग रहे हैं तो कुछ तो आधार होगा, परिवार वाले अगर लगा रहे हैं तो कुछ जांच वांच आप लोग करवा रही हैं क्या? किस चीज की जांच? आप बता रही हैं कि जब व्यक्ति आया, 5 गोली लगी थी और फिर हमने वही डिक्लेयर किया जो था वो पहले से ही मृत था। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस को बोला है कि जल्दी से जल्दी जो भी दोषी है वो पकड़े जाए, और जब दोषी पकड़े जाएंगे तभी सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या बात है, क्यों करा गया। तो दोषियों को पकड़ना सबसे जरूरी है, तब तक तो परिवार ने जो कहा है तो पुलिस उनके साथ है, पूरा पुलिस मेहनत कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही पुलिस दोषियों को पकड़ लेगी। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द खुलासा हो और एफआईआर दर्ज हुई है। बावजूद इसके आपने जिस तरीके से इसमें सच्चाई सामने आने की बात कही है, ये बहुत अच्छी बात है, और जिस सेवा भाव से जुटी हुई है उस तरीके से काम करते रहिए। मंजू शिवाच बीजेपी की विधायक हमारे साथ जुड़ी थी, जिनके पति के ऊपर आरोप लगा है, एफआईआर भी दर्ज हुई है, कई आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर
दर्ज की गई है, परिवार ने नाम लिया है इनके पति का और नामजद एफआईआर दर्ज हुई है।